कुंडल, मेरा यूट्यूब चैनल सेफ स्टॉक ट्रेडिंग एंड इन्वेस्ट स्वागत करता हूँ। अभी लोगों का स्वागत करता हूँ। मैं कल के लिए बाइंग सेलिंग लेवल्स ऑफ इक्विटी कमोडिटी निफ्टी बैंक निफ्टी फ्यूचर्स दिखाऊंगा। तो वीडियो आप लोग अंत जरूर देखिए। ये आप लोग को व्हाट टू ट्रेड टुमारो बेस्ट इक्विटी ट्रेड कमोडिटी निफ्टी बैंक निफ्टी फ्यूचर्स बाइंग सेलिंग लेवल्स इन बाय सेल एक्सेल शीट, इस नाम पे आप लोगों को ये वीडियो मिलेगा। तो वीडियो आप लोग अंत जरूर देखिए और इसको सब्सक्राइब करके रखिए ताकि इसका नोटिफिकेशन आप लोग को रेगुलर बेसिस पे मिल जाएगा। मैंने कमोडिटी का अभी मतलब करेंट मार्केट में लोड नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वो रात में होता है तो 12 बजे के बाद, तो वीडियो डालने से बहुत रात हो जाता है। तो इसीलिए मैंने कमोडिटी का जो 2 दिन का मैक्सिमम हाई और लो है तो और 7 दिन 10 दिन 30 दिन का उसका लो के जो फिबोनाची का कैलकुलेशन है वो आप लोग को दिखा दूंगा। वो भी बहुत ही अच्छा काम करता है। आप लोग जानता है कुछ लॉन्ग टर्म का मतलब लेवल आता है तो वो अच्छा रिजल्ट देता है। और जो लोग मेरा फेसबुक पेज फेसबुक ग्रुप व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम ये सब में ज्वाइन होता है तो ज्वाइन होकर रखा है, टेलीग्राम चैनल ये सब में ज्वाइन होकर रखा है, उन लोग को अपडेट करके मैंने स्क्रीनशॉट दे देता हूँ। तो ये सब्सक्राइब करके रखिए और लाइक कीजिए ताकि इसमें आप लोग को बहुत सारा चीज़ मिलेगा। मतलब निफ्टी बैंक निफ्टी का डायरेक्शन भी मैंने रेगुलर बेसिस पे देता हूँ और निफ्टी बैंक निफ्टी का डायरेक्शन और लाइव मार्केट में ट्रेडिंग टिप्स भी आप लोग को कभी कभी दे देता हूँ और ज़्यादा दिन ही देने का कोशिश करता हूँ, कभी कभी मिस हो जाता है। और बहुत सारा चार्ट का सेटअप्स है, स्ट्रैटेजीज है, टेक्निक्स है जो आप लोग को बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। मैंने कुछ दिन पहले ही हाउ टू आइडेंटिफाई बाय सेल लेवल्स विथ बाय सेल फिबोनाची लेवल्स बेस्ड ऑन डेली वोलेटिलिटी एंड गन प्राइस स्क्वायर टाइम स्क्वायर, ये भी आप लोग को बहुत ही आसानी से मतलब बाइंग सेलिंग लेवल्स किस स्क्रिप्ट का निकालने के लाइव मार्केट में या मार्केट एंड होने के बाद भी लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म सभी पोजीशन का आप लोग को बहुत ही हेल्प करेगा। वो भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद एक्यूरेट बाय सेल सिग्नल विथ एंकर्ड बीडब्ल्यूएपी वो भी आप लोग जरूर देखिए ताकि उसमें भी बहुत ही अच्छा मतलब स्ट्रैटेजी दिया गया है जिसमें आप लोगों को एनालिसिस करने से बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो वो मैंने इसमें दे दिया था, मतलब जीरोधा में दिखाया था, तो वो जीरोधा में शायद नहीं मिल रहा है। तो इसमें आप लोग ट्रेडिंग व्यू में आप लोग फिर साइन अप हो सकता है, ट्रेडिंग व्यू में फिर साइन अप हो पे इसमें व्यू में फिर साइन अप व्यू में फिर साइन अप व्यू में फिर साइन अप कर जब जाएंगे तो इसमें आप लोग को दिख जाएगा, इसमें आप लोग को दिख जाएगा। सभी से नेट का प्रॉब्लम आता है, दिखता है इधर से। आप लोग जब एंकर्ड VWAP टाइप करेंगे तो आप लोग को दिखाई देगा एंकर्ड VWAP स्टैंडर्ड डेविएशन, वो आप लोग को दिखाई देगा। और आप स्टॉक्स में भी आप लोग को मिल सकता है और कुछ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में होगा। तो मेरा तो सभी जगह अकाउंट नहीं है तो पता नहीं है, लेकिन आप स्टॉक्स में मैंने देखता हूँ इसमें मिल रहा है एंड बहुत ही अच्छी तरीके से ये काम भी करता है। और इसमें आप लोग को दिखा देता हूँ मैंने, तो बाकी वीडियो आप लोग देख लीजिए। और बहुत सारा चार्ट का सेटअप्स है और इसके अलावा और भी बहुत सारा चार्ट का सेटअप्स है और एडुकेशन इंफॉर्मेशन बहुत ही चीज़ है जो आप लोग को बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। इसमें आप लोग को फ्यूचर में मिलेगा, स्टॉक्स में मिलेगा, इंडेक्स में नहीं मिलेगा क्योंकि आप लोग जानते हैं इंडेक्स में VWAP कुछ नहीं आता है क्योंकि इसमें आप लोग को क्या बोलता है वॉल्यूम का कुछ नहीं आता है, तो क्योंकि इंडेक्स में ट्रेड ही नहीं होता है तो इसीलिए इसका इधर से आप लोग एंकर्ड VWAP लगा लेंगे। ठीक है, एंकर्ड VWAP लगा के आप लोग किसी भी डेट दे सकते हैं। सोच लीजिए आप लोग 1 मई से आप लोग देखेंगे, सॉरी इसको तो 5 देना पड़ेगा एक्चुअली, इसका तो 0 1 मई से आप लोग देखेंगे। तो इसमें आप लोग को क्या होता है इसके बाद आप लोग ये सब मतलब एक्टिवेट कर देंगे,
सेटिंग एक्टिवेट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, ठीक है। तो इसमें आप लोग को क्या होगा, आप लोग को दिखाता हूँ डेली चार्ट में। और डेली चार्ट में देखिए, जिस डेट से मैंने ये इसको लगा उस डेट से ये एंकर कर लिया, ठीक है। इसके बाद ये उधर से ये बीच में BW का लाइन रहता है, और उधर से ये कितना स्टैंडर्ड डेविएशन, मतलब 1 स्टैंडर्ड 2 स्टैंडर्ड 3 स्टैंडर्ड डेविएशन इधर से बहुत ही अच्छा तरीके से ये मतलब ट्रेंड को दिखाता है। तो आप लोग को इसमें चार्ट में एनालिसिस करने के लिए ये आप लोग इंटरडे में भी लगा सकता है, उसके साथ उधर BW भी विथ स्टैंडर्ड डिविजन भी है, आप लोग इंटरडे में भी इसको काम पे आएगा। बाकी और भी उस पर स्ट्रेटेजी में बाकी और भी चार्ट सेटअप है, मैंने एंकर BW पे BW भी दिखा देता हूँ। इसमें BW में जो भी जो मतलब स्टैंडर्ड डिविजन वाला है तो वो भी आप लोग कर लीजिए, सेटिंग्स भी आप लोग कर सकते हैं, उसको ओवरलैप करेगा तो आप लोग को सुविधा ही होगा। इसमें जब इसको मतलब एंकर BW का और BW का ओवरलैप करेगा, इसका क्लियर लाइन दिखेगा उसमें। बाकी आप लोग को चार्ट देख लीजिए, उसमें से आप लोग को बहुत ही मतलब चार्ट देख लीजिए, मतलब वीडियो देख लीजिए, उसमें आप लोग को बहुत ही सुविधा हो जाएगा। लेकिन मैंने नेक्स्ट डे के लिए मैंने व्यू देता हूँ, मैंने तीनों व्यू सेटअप बाई तीनों सेटअप बाई सेल लेवल दिखाता हूँ। पहला सेट में 360 डिग्री एनालिसिस रहता है, 360 डिग्री एनालिसिस 360 डिग्री प्राइस, उसमें तीनों साइकिल रहता है, फर्स्ट साइकिल सेकंड साइकिल थर्ड साइकिल, उसका अप साइड और डाउन साइड रहता है। तीनों साइकिल का अंदर अप साइड डाउन साइड रहता है। और नेक्स्ट लेवल दूंगा फिबोनाची लेवल्स बेस्ड ऑन डेली वोलेटिलिटी एंड गन डिग्री लेवल्स बेस्ड ऑन डेली वोलेटिलिटी। तो इसमें देखिए ये चारों स्टॉक्स चुना है मैंने, एक्चुअली हर रोज एक ही टाइप का निकलता है। मैंने तीनों एक्चुअली तीनों पैरामीटर देखे, मैंने करता हूँ, मैंने रखता हूँ सबके ऊपर रखता हूँ, सबके ऊपर रखता हूँ, वोलेटिलिटी को 3 के ऊपर रखता हूँ, डिलीवरी परसेंटेज मैंने 20 का नीचे रखता हूँ, और वॉल्यूम मैंने 20 लाख के ऊपर रखता हूँ। तो इसमें से दूसरा का तरीका से भी कैलकुलेट कर सकता है, लेकिन आप लोग को देखिए इसका लेवल लेके आप लोग को काम है ना। तो इसके आप लोग को कुछ दूसरा कुछ और ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। तो इसमें आप लोग को बाई या सेल के लेवल इसमें ज़रूरत है। इसमें देखिए मैंने इसका जो वोलेटिलिटी डिलीवरी परसेंटेज और इधर से वॉल्यूम को देख के, इधर से जो वॉल्यूम है जो ट्रेड वैल्यू एंड वॉल्यूम है इधर देख के मैंने इसको स्क्रीनिंग करता हूँ। तो एनीवे मैंने इसका ये तीनों लेवल, मैंने बहुत सारा लेवल्स पहले सभी लेवल्स दिखा देता था, लेकिन आप लोग को इसमें कन्फ्यूजन होता था, तो इसीलिए मैंने अभी तीनों लेवल दिखाता हूँ। तो इसमें देखिए मैंने फर्स्ट साइकिल का अप साइड और फर्स्ट साइकिल का डाउन साइड 45 डिग्री से 360 डिग्री तक, और ये सेकंड साइकिल का अप साइड, सेकंड साइकिल का डाउन साइड, और थर्ड साइकिल का अप साइड, तो थर्ड साइकिल का डाउन साइड। तो इसमें आप लोग को दिन भर कुछ ना कुछ लेवल आप लोग को मिल जाएगा। जब रिटेस्ट होकर नीचे आएगा, जब तक ना बाई लेवल सेल साइड जाता है, सेल साइड बाई लेवल जाता है, तब तक आप लोग बने रहेंगे। उसके मतलब एग्जिट होके फिर से जब नेक्स्ट लेवल क्रॉस करेगा फिर से आप लोग एंट्री ले सकते हैं। और इसमें मैंने देखा था हूँ इसका फिबोनाची लेवल्स और गन लेवल्स बेस्ड ऑन डेली वोलेटिलिटी। तो मेरा वो वीडियो जरूर देख लीजिए आप लोग, वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिए, तब मतलब जो हाउ टू आइडेंटिफाई बाय सेल लेवल्स विथ फिबोनाची लेवल्स बेस्ड ऑन डेली वोलेटिलिटी एंड गन प्राइस का टाइम स्क्वायर। और जो लोग मेरा ट्रेनिंग भी लेना चाहता है वो भी आप लोग ले सकता है। मेरा यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन अच्छी तरह से जरूर रीड कीजिएगा, तो आप लोग को बहुत सारा इन्फॉर्मेशन उधर से मिल जाएगा। और इसमें देखिए इधर से ये गन लेवल्स है 12.5 से 360 डिग्री तक। मैंने लाइव मार्केट में भी आप लोग को लाइव मार्केट वीडियो मैंने है मेरा है, मैं लाइव मार्केट में भी आप लोग को कैलकुलेट करके दिखाया है, मेरा ट्रेडिंग भी दिखाया कि कैसे इसमें किया जा सकता है। कल का वीडियो आप लोग देख सकता है। अच्छा ये तो हो गया इक्विटी का, इक्विटी का और भी दिखाऊंगा, और भी इक्विटीज बहुत सारा दिखाऊंगा, आप लोग देखते रहिए।
इसके बाद मैंने थोड़ा सा मतलब निफ्टी बैंक निफ्टी का दिखा देता हूँ। इसका डाटा में जाके फिल्टर को हटा देता हूँ। मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी बनाने के टाइम निफ्टी बैंक निफ्टी का व्यू दिखा दे दिया था तब। अभी तब भी मैंने आप लोग का सुविधा के लिए मैंने इस वीडियो के अंदर भी आप लोग को दिखा देता हूँ। प्राइस एनालिसिस ग्राम फिबोनाची अभी दिखा दिया था तभी इसका वीडियो के अंदर भी दिखा देता हूँ। अच्छा और ठीक से नहीं दिखा पाया क्या? ठीक है फिर से एक बार चलाता है। 45 डिग्री से आप लोग जरा पास करके देख सकते हैं। आप लोग कोई भी एक चुन सकता है। जो लोग फिबोनाची या ग्राउंड लेवल में काम करना चाहता है तो उसमें जो वो रेंज का बाहर हो जाएगा। एक्चुअली इसमें 360 का एनालिसिस में रेंज अच्छा मिल जाता है। गैप अप गैप डाउन या मार्केट का लाइव मार्केट में जो अप डाउन होगा आप लोग ठीक से मतलब मेरा आप लोग जब लाइव मार्केट में भी आप लोग मेरा सलाह ले सकते हैं कि भाई आज कल जो लेवल दिया था इसका अप डाउन जो हो रहा है तो अभी कौन लेवल पे घुसूंगा क्या क्या होगा तो मेरा व्हाट्सएप में यूट्यूब कमेंट द्वारा बता सकता है। तब आप लोगों को मतलब एक आइडिया मिल जाएगा पता चल जाएगा कि इसमें कैसे ट्रेड लेना है। आप लोग को किसी क्लैरिफिकेशन का जरूरत होगा तो निफ्टी का हो गया है। अच्छा निफ्टी इक्विटी का और भी दिखाऊंगा। 100 डे EMA स्ट्रैटेजी मैंने किया है तो 100 डे EMA स्ट्रैटेजी ये है कि आज का डेली कैंडल को जीजी स्टॉक्स का आज का डेली कैंडल को 100 डे मूविंग एवरेज काट किया है। उसको कल जब ये करें इसका हाई लो ब्रेक होगा तो ये अच्छा मूवमेंट मिलेगा। तो ऐसे ही प्रीवियस रेंज ब्रेकआउट मतलब अगले दिन का हाई लो ब्रेकआउट एक स्ट्रैटेजी होता है। लेकिन ये जो 100 डे EMA को काट करता है तो ये अच्छा रिजल्ट मिलता है। देखिए ACC में भारत फोर्ज में ब्रेल में BPCL डाबोर आइसर मोटो ये सब में काट किया है। ग्रासिम ये वीडियो आप लोग जरूर इन दल को इंडस्ट्रियल यूनिलीवर क्योंकि आप लोग को बहुत सारा स्टॉक्स मिल जाता है। ऊपर से मतलब लेवल्स आप लोग को मिल जाता है। जो इधर से मैंने इनसाइड द बार इनर फॉर कैंडल स्टिक पैटर्न दिखाऊंगा। कैंडल स्टिक पैटर्न बहुत सारा दिखाऊंगा कहाँ पर कहाँ कहाँ कैंडल स्टिक पैटर्न बना है। इनसाइड द बार इनर फोर इनर सेवन और भी बहुत सारा कैंडल स्टिक पैटर्न तो है। इनसाइड द बार इनर है इनसाइड द बार इनर फोर इनर सेवन तो उन लोग ट्रेड कर ले पाएंगे और समझ जाएंगे। और आप लोग चार्ट में भी इसको लगा के देख सकते हैं हाँ इनसाइड द बार या इनर फोर इनर सेवन हुआ कि नहीं हुआ है। तो आप लोग को इसमें स्किनर मिलता है लेकिन एक जगह में एक ही साथ आप लोग को एक एक करके स्किन करके देखा मतलब देखना पड़ेगा। लेकिन इधर आप लोग को सब कुछ एक साथ मिल जाएगा और भी ऊपर से और भी बहुत सारा चीज़ मिलेगा। देखिए 1 डे का सबसे इसका इंसर्ट दवार बना है कहाँ कहाँ बना है आप लोग देख सकते हैं। इसमें बना है हिंदुस्तान यूनिलीवर पे इनर फोर इनर सेवन एक भी नहीं दिख रहा है। ठीक है हो सकता है ऐसा। अच्छा इसके बाद आप लोग देखिए हायर आई हायर लोस लगातार 3 दिन से हायर आई हायर लोस कहाँ कहाँ बना है। लोअर हाई लोअर लोस बनने से देख नहीं रहा है। ठीक है डोजी अप डाउन भी नहीं देख रहा है। इधर इन्वर्टेड हैमर बना है डीवी स्लॉप में। इसमें कैसे ट्रेड किया जा सकता है वो आप लोग तो मेरा ट्रेनिंग जो लोग नहीं जानता है वो लोग ट्रेनिंग ले सकता है या स्टडी करके या खुद कर सकता है। लेकिन ट्रेनिंग में आप लोग को बहुत सारा चीज़ मिल जाएगा जो आप लोग को बहुत ही हेल्प करेगा। और मास्टर लॉन्ग ये इसमें आप लोग कर सकते हैं जो लोग एक्सपीरियंस भी है वो इसका जब हाई ब्रेक करेगा और मास्टर शॉर्ट का जब लो ब्रेक करेगा इसमें बहुत सी जो लोग एक्सपीरियंस भी है तो टेक्निक भी वो सब टेक्निक मतलब ये कैंडल स्टिक का नहीं बता रहा हूँ लेकिन वो जो गाल फिबोनाची ये सब जो है वोलेटिलिटी बेस्ड
उसको सीख लेना चाहिए, क्योंकि वो भी वो आप लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस देके मतलब ट्रेंड लाइन ड्रा करके या और प्राइस एक्शन देके करना चाहता है, लेकिन इसको भी आप लोग एक बार सीख जाएंगे तो आप लोग को काम और भी आसान हो जाएगा। तो देखिए बेयरिश रिवर्सल, बुलिश रिवर्सल, बहुत सारा रहता है, सभी समय सभी निकलता नहीं है। इधर बेयरिश आरामी बना के रखा हूँ बहुत सारा, लेकिन सभी समय सभी का निकलता नहीं है। ड्रैग आउट, कवर, ट्रायंगुलर पैटर्न, ब्रेकआउट, ये कुछ दिखता नहीं है। और ट्रेंड लाइन, बुलिश ब्रेकआउट, बेयरिश ब्रेकआउट, फ्लैग पैटर्न, आप लोग मेरा पिछले वाला वीडियोस देख सकते हैं, तो इसमें आप लोग को दिखेगा कि सभी टाइप का मिल जाता है। इधर देखिए बुलिश अबंडेंट में भी मतलब गैप डाउन, और बेयरिश अबंडेंट में भी मतलब गैप अप, तो ये भी इधर से आप लोग को दिखेगा, ठीक है। बटरफ्लाई पैटर्न मतलब जो क्या बोलते हैं हार्मोनिक पैटर्न, कप एंड हैंडल पैटर्न, इधर स्विंग पैटर्न, इधर कुछ गलत हुआ है, इधर ये थोड़ा सा प्रॉब्लम दिखा रहा है। ठीक है ना, और कमोडिटी का दिखाऊंगा, ठीक है, कमोडिटी का दिखाऊंगा, कमोडिटी का मैंने जो बोला कि 7 दिन का है, 7 दिन से दिखाऊंगा, 7 दिन, 2 दिन का पहले आप लोग ट्राई करेंगे, 2 दिन का पहले का पहले लेवल देखने के लिए, 2 दिन का लेवल नहीं आएगा तो 5 दिन, 3 दिन, 7 दिन का लेवल देखने, 30 डेज, 15 डेज का लेवल देखने के लिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरा इतना रात हो जाता है कि मेरा पॉसिबल नहीं होता है कि पहले पहले मैंने दिया करता था, लेकिन इसमें बहुत ही थोड़ा सा मेरा दिक्कत आता है। ये 7 डेज का आप लोग देख सकते हैं, इधर से आप लोगों को ट्रेंड का भी पता चल जाएगा कौन सा लेवल पे है, 7 डेज का हिसाब से, 7 डेज का पिवट पॉइंट का हिसाब से, मतलब 5 डेज का जो 5 डेज, 7 डेज, 3 डेज का जो मैक्सिमम हाई और मैक्सिमम लो है, और करंट जो वाइस है इसका लेके इसका कैलकुलेट किया गया है, ये 2 डेज का हिसाब से। ऑन डेट का मान देखिए, क्योंकि ऑन डे का काल का डाटा है, और 15 डेज का आप लोग देख सकता है, ठीक है, 30 डेज का भी देख सकता है। ओके, तो धन्यवाद दोस्तों, अभी वीडियो ही खत्म करता हूँ, आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और आप लोग को जो सोशल मीडिया साइट्स है उसमें शेयर भी कीजिए।